समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को नफरती भाषण मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद और 2,500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में उत्तर प्रदेश की रामपुर की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ये मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर के शहजाद नगर थाना क्षेत्र में धमोरा में दी गई एक भड़काऊ स्पीच से जुड़ा है, जिसमें आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी और रामपुर के तत्कालीन डीएम, चुनाव आयोग और अन्य अधिकारियों के खिलाफ नफरत भड़काई थी। कोर्ट ने अब आजम खान को 2 साल की कैद और 2,500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। बता दें कि आजम खान के खिलाफ 18 अप्रैल 2019 को केस दर्ज किया गया था। आपको बता दें, आजम खान के 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो के सामने आने के बाद एडीओ पंचायत अनिल चौहान ने थाना शहजाद नगर में आजम खान के खिलाफ 8 अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि आजम खान ने 8 अप्रैल 2019 को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी को दंगा कराने वाला करार दिया था। आजम खान ने जिस वक्त ये बयान दिया था, तब ये चुनाव समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने एक साथ मिलकर लड़ा था। उस समय आजम खान रामपुर संसदीय सीट से सपा और बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे।